नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए, प्रश्न हमारा क्या है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत था। उसने कहा है कि एक बल्लेबाज है, 11 पारियों में जो उसके रन थे उनका औसत कुछ था, यानी उसने नहीं दिया है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए जिससे औसत 9 रन बढ़ गया। यानी जब 12वीं पारी खेली उसने तो उसने 129 रन बनाए और जो औसत था वह 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है? अब हमें बताना है कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। हम मान लेते हैं जो 11 पारियों का औसत था वह x था, ठीक है, ये हमने मान लिया। उसने कहा था कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत था, तो हमने मान लिया कि 11 पारियों का एवरेज कितना था, x था। अब क्या किया, जब उसने 12वीं पारी खेली तो एवरेज क्या हुआ, 9 रन बढ़ गया। यानी x पहले से था, अब उसमें 9 की वृद्धि हो गई। तो 11 पारियों का एवरेज कितना था, x, 12 पारियों का एवरेज कितना आया, x प्लस 9, ठीक है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो जो उसने 12वीं पारी में रन बनाए हैं उनको हमें निकालना है। तो 12 पारियों में टोटल रन कितने बनाए उसने, 12 गुणे x प्लस 9, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे संख्या है। माइनस 11 पारियों का योग कितना होगा, 11 गुणे x बराबर कितने हो जाएंगे, 129। अब सॉल्व करेंगे, यहां पर आएगा 12x, 12 नम्मा 108 माइनस 11x बराबर 129। 12 में से 11 आ जाएंगे तो क्या बचेगा, x, 129 उस साइड चला जाएगा, 108 तो यहां चला जाएगा। तो x बराबर कितना निकला, 21। और x क्या था, 11 पारियों का एवरेज था। तो उसने यही पूछा है उसकी 11 पारियों का एवरेज कितना था, तो 11 पारियों का एवरेज कितना था, 21, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई है लॉन्ग मेथड। अब हम इसको एक शॉर्ट तरीके से भी लगा के देखते हैं। जैसे कि उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 129 रन बनाए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो औसत था उसमें 9 रन की वृद्धि हो गई। तो 12 पारियों में 9 रन की जब वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी, 108 की। इनको हम माइनस कर देंगे, 129 में से 108 जाएंगे, 21 बचेगा। यानी उसकी पहले की पारियों का औसत कितना था, 21 था। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और आप इस बेस मेथड की तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में लगाना है, जैसे कि 12वीं पारी के रन कितने थे, 129। अब 12 पारियों में औसत में 9 की वृद्धि हुई है, यानी टोटल कितने रनों की वृद्धि हुई, 12 गुणे 9 किया, 108 रनों की। तो 129 में से 108 को माइनस कर दिया, 21 आ गया। यानी 11 पारियों का औसत निकल के कितना आया, 21 आया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।